मुजफ्फरपुर में मद्य निषेध विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। घटना मुजफ्फरपुर की मनियारी थाना क्षेत्र के एनएच 28 टोल प्लाजा की बताई जा रही है, जहां एक ट्रक से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद किया। मामले की जानकारी देते हुए मनियारी थाना अध्यक्ष सह परीक्षमान DSP ने बताया कि एनएच 28 पर टोल प्लाजा के पास बिहार पटना के मद्य निषेध विभाग की टीम और मनियारी थाने की पुलिस ने मिलकर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया। शराब पंजाब के अमृतसर से लाई जा रही थी, जिसे समस्तीपुर में डिलीवरी करना था। घटना के बाद से ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। बिहार पटना मद्य निषेध और मनियारी थाना के संयुक्त प्रयास से एक बड़ा सा खेप पकड़ा गया है। तो टोल प्लाजा के पास एक ट्रक पकड़ा गया, जिसको थाने पे लाके चेक किया गया तो उसमें शराब पाया गया। दो आदमी का गिरफ्तारी भी है। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार ये लोग अमृतसर से समस्तीपुर की ओर जा रहे थे। शराब लगभग 5500 लीटर करीब है। बाकी का अनुसंधान जारी है। अब मेरा बिहार बदल रहा है और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाए। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।